दोस्तों अभी वेल्डिंग करा के तो निकल गए हैं और अभी पहुंच चुके हैं बगोदर। यहां से अभी आसनसोल 130 किलोमीटर बचा हुआ है। और दोस्तों देखिए यहां पे यही है धनबाद जाने का। देखिए दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं गोविंदपुर में। तो देखिए शीशा पूरा गंदा हो चुका है, तो शीशा को साफ कर दे रहे हैं। ये देखिए शीशा हमारा कितना गंदा हो गया है। दोस्तों ये रहा बंगाल बॉर्डर, तो हम झारखंड आउट करके बंगाल में इन कर चुके हैं। दोस्तों अभी तो आ गए हैं, देखिए माल लाइन होटल में गाड़ी लगा दी है। देखिए इधर रोड के किनारे गाड़ी हमारा लगा हुआ है। अब चलेंगे खाना खाने के लिए। तभी देखिए दुकान में आ गए हैं। देखिए यहाँ रिंच वगैरह सारा मिल जाएगा, पेचकश वगैरह, इधर लाइट का भी है। यही सब दुकान में हम लोग का सामान मिलता है, खासकर गाड़ी वाला के लिए। दोस्तों अभी काटा पे गाड़ी लेके आ गए हैं। और ये देखिए काटा के बगल में गाड़ी लगा दी है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं भैया भी साथ में जा रहे हैं, तो इनको धनबाद तक का जर्नी करना है क्योंकि अपना रिलेटिव के शादी में जा रहे हैं। तो अभी फ़ोन किए थे आसनसोल पार्टी को जहाँ पे हमारा गाड़ी खाली होगा, तो वो बोल रहा है कि 10-12 गाड़ी आया हुआ भैया, तो आपको काटा करके गाड़ी नंबर में पहले लिखवाना पड़ेगा पहुँच के, उसके बाद कल खाली होगा कि परसों खाली होगा, वो नंबर ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब घर से निकल ही चुके हैं। आज तो नहा धोवा के पूरा फ्रेश हो गए हैं, कपड़ा वगैरह जितना भी गंदा था सारा धुलवा लिए हैं। देखिए सारा कपड़ा धुलवा के रख दिए अंदर में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा शाम भी अब होने को आया, थोड़ा धूप भी कम हो गया है। अब निकलते हैं यहाँ से और यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर का जर्नी हमारा रहेगा। तो अभी रोहित भी नहीं आया है, आज 18 तारीख है। तो रोहित का चाचा का लड़का का शादी होगा, तो उसी में बारात जाएगा वो। और विकास का जो है गाँव में जो यज्ञ हुआ था, तो कल जो है कुछ कार्यक्रम है, वो हमको पता नहीं है क्या प्रोग्राम है उनके गाँव में। तो वो भी बोला कि 2-4 दिन के बाद ही हम गाड़ी पर चढ़ पाएंगे। तो फिलहाल अभी हम अकेले ही चल रहे हैं। भैया मुश्किल से 100 किलोमीटर आगे जाएंगे बरवड्डा धनबाद, तो वहीं पर उतर जाएंगे, बाकी गाड़ी हमको अकेले लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग ब्लॉक में कंटिन्यू बने रहिए, अभी आगे चलते हैं। वैसे थोड़ा धूप कम हुआ है, तो गाड़ी चलाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। अब फिलहाल अभी देख सकते हैं मौसम का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी देखिए सारा गाड़ी एक साइड से लगा हुआ है क्योंकि गर्मी के चलते ही सारा गाड़ी लगा हुआ है। देखिए इधर भी और इधर भी, क्योंकि गर्मी में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल भरा काम है। तो सबसे ज़्यादा क्या है कि गर्म लगता है, दूसरा टायर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अगर टायर आप चला दीजिएगा ज़्यादा गर्म होकर तो टायर उड़ जाता है और पंचर भी हो जाता है। इसके वजह से धूप में बहुत कम ही गाड़ी चलता है, अधिकतर भाई लोग सुबह या शाम या फिर रात में, यही 3 टाइम गाड़ी चलता है। दोपहर में लोग गाड़ी खड़ा करके आराम से सोता है और गर्मी में नींद भी नहीं आता है ना, केबिन की वजह से इतना गर्मी हो जाता है कहना नहीं है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी घर से निकल चुके हैं, अब आराम आराम से बंगाल बॉर्डर पहुंचते हैं, फिर वहां से अपना आसनसोल के लिए निकलेंगे। दोस्तों अभी घर से 2 किलोमीटर आगे आए तो बेल्डिंग का दुकान मिल चुका है। देखिए बेल्डिंग का दुकान है, देखिए हाइबा का भी बेल्डिंग हो रहा है, तो हमारा गाड़ी में भी बेल्डिंग थोड़ा छूट गया है, तो अभी आ गए हैं बेल्डिंग मरवाने के लिए। देखिए हमारे गाड़ी में बेल्डिंग हो रहा है अभी, ये देखिए पूरा जो बेल्डिंग वो कबड़ गया था एक साइड से। अभी मिस्त्री भैया जो देखिए वेल्डिंग मशीन ला के हमारा गाड़ी का वेल्डिंग मार दे रहे बढ़िया से, तभी वेल्डिंग करवाएंगे। मुश्किल से 10 मिनट और लगेगा, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी वेल्डिंग करा के तो निकल गए हैं और अभी पहुंच चुके हैं बगोदर। यहां से अभी आसनसोल 130 किलोमीटर बचा हुआ है। और ये देखिए बगोदर का नया फ्लाईओवर बाईपास निकल गया है, तो अभी राजगंज और बगोदर में बाईपास निकल गया है, नहीं तो पहले बगोदर और राजगंज सिटी के अंदर से जाना पड़ता था। वहाँ पे बाजार वगैरह ज्यादा लगता था, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका था, तो बहुत दिक्कत होता था। अभी हाल फिलहाल ही बना है फ्लाईओवर, ये मुश्किल से 1-8 साल होता होगा। ये देखिए बगोदर जाने का जो रास्ता है, पहले जो 4-लेन रोड था वो नीचे जाना पड़ता था। ये देखिए पहले का 4-लेन रोड वो था, अभी जो है मस्त रोड बना दिया है फ्लाईओवर, राजगंज का भी और बगोदर का भी। इसमें गाड़ी चलाने का मजा कुछ अलग ही लेवल का आता है, क्योंकि ये पूरा पीच और डामर का रोड बना हुआ है, सीमेंट वाला नहीं है, तो इसमें गाड़ी बहुत स्मूथ चलता है और इसमें टायर का भी बचत होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि गर्मी कारण ये रोड थोड़ा पिघल जाता है। जब टायर इसमें चलता है तो गर्म हो जाता है, जब पीच तो क्या होता है पूरा टायर का ये बना लीक बनाता है। देखिए बगल में टायर का थोड़ा लीक बनाता है, बस इसी में यही कमजोरी रहता है डामर वाला रोड का। बाकी फिलहाल आप देख सकते हैं अभी भी 130 किलोमीटर हम लोग को जाना है।
चार पाँच घंटे का और हमारा सफ़र है। अभी रास्ता में हम लोग को तोपचाची, राजगंज, गोविंदपुर, निरसा, उसके बाद आसनसोल, चार पाँच सिटी भी मिलने वाला है। चलिए ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सफ़र तय कर लेते हैं। दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी हम लोग डुमरी टोल प्लाजा से पीछे रुके हुए हैं, तो टायर चेक करने के लिए रुक गए हैं क्योंकि टायर थोड़ा गर्म हो जाता है, तो टायर वगैरह भी सारा देखना पड़ता है भाई। टायर भी गर्म हो गया दोस्तों, तो चलिए 10 मिनट तक टायर ठंडा होने देते हैं। बगल में चाय दुकान है, चाय वगैरह पी लेते हैं और अपना सब्सक्राइबर भाई भी आए हुए हैं तो सब्सक्राइबर भाई से भी मिल लेते हैं। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं अपने सब्सक्राइबर भाई लोग से, तो देखिए सिकंदर जी भी आए हुए मिलने के लिए, तो सिकंदर जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और बताइए सिकंदर भैया क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे हैं आप लोगों से मिलकर। और भैया अच्छा। तो हमारा वीडियो वगैरह देखते हैं कि नहीं है बताइए? हाँ, तो हम लोग तो बराबर आपका देखते रहते हैं, लेकिन आज आपसे पहली मुलाकात हुआ तो आज हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। चलिए इसी तरह सपोर्ट एकदम बनाए रखिएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, भैया लोग से मुलाकात भी हो गया और बस अब चाय पानी पियेंगे और उसको निकलेंगे यहाँ से। देखिए इधर भैया भी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, तो सिकंदर जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग तो चाची पहुंच चुके हैं। तो देखिए हमारा गाड़ी में पानी खत्म हो गया था, तो देखिए पानी वाला टेम्पो मिल चुका है, तो अभी पानी ले रहे हैं 1 गैलन। ये देखिए ये हमारा डब्बा है, बाकी भैया जो है अपना डब्बा से सारा पानी इसमें डाल देंगे, उस पर पानी रख लेते हैं क्योंकि उधर सप्लाई वाला पानी मिलता नहीं है। तो अच्छा है, मिल गया पानी तो रख लेते हैं, बाकी आगे बरवट्टा में भैया हमारे उतरेंगे, फिर भैया चले जाएंगे धनबाद, रिलेटिव का शादी में जाना है उनको, फिर हम अपना धीरे धीरे आसनसोल तक निकल जाएंगे। यहाँ से 70-80 किलोमीटर और बचा होगा। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुके हैं और अभी हम पहुँच चुके हैं बरवट्टा। ये देखिए भैया तैयार हो गए हैं, अब जाने वाले हैं क्योंकि बरवट्टा से मात्र 8 किलोमीटर बचता है धनबाद। ये ठीक है दोस्तों, भैया को उतार देते हैं। ये फ्लाईओवर नया बन गया, पहले तो नहीं बना था लेकिन फ्लाईओवर बन गया है। ये फ्लाईओवर के नीचे से ही टेम्पो मिल जाएगा। ये देखिए ब्रिज आ गया, बस यहीं पर उतरेंगे। चलिए उतरिए। और दोस्तों देखिए यहाँ पे यही है धनबाद जाने का, देखिए लगता है यहाँ से टोटो मिल जाएगा अभी। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमको अकेला ही सफर तय करना पड़ेगा, अभी चलते हैं धीरे धीरे बंगाल। यहाँ से 30-40 किलोमीटर बचा होगा बंगाल बॉर्डर, आराम आराम से चलते हैं। दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं गोविंदपुर में, तो देखिए शीशा पूरा गंदा हो चुका है, तो शीशा को साफ कर दे रहे हैं। ये देखिए शीशा हमारा कितना गंदा हो गया है, बढ़िया से पहले कपड़ा मार के दोस्तों इसमें स्प्रे मार देंगे। दोस्तों शीशा वगैरह तो साफ कर लिए, अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि टायर भी ज्यादा गर्म हो गया था, तो जब तक टायर ठंडा होगा तब तक शीशा साफ कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रहा है, देखिए पूरा पसीना पसीना हालत खराब हो गया। तो चलिए अब निकलते हैं, 2-3 घंटे का और समय लगेगा, बंगाल बॉर्डर पहुंच जाएंगे। दोस्तों अभी रात के 10 बज चुके हैं और ये देखिए चिरकुंडा टोल प्लाजा पे आ चुके हैं, तो गाड़ी भी लगाए थे, टायर वगैरह सारा चेक कर लिए हैं। अब यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बंगाल का बॉर्डर है, चलते हैं बंगाल का बॉर्डर पे, पार करके लगाते हैं, खाना पीना वहीं पे खाया जाएगा। रात में भी टायर गर्म हो जा रहा है भाई, अब क्या ही बोल सकते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये रहा बंगाल बॉर्डर, तो हम लोग झारखंड हॉट करके बंगाल में इन कर चुके हैं और ये है बॉर्डर, देखिए बैरियर वगैरह सारा लगा हुआ है, तो यहाँ पे छोटा गाड़ी वगैरह का चेकिंग वगैरह होता है। तो चलिए ये बैरियर पार करके आगे गाड़ी लगाते हैं माल लाइन होटल में। और दोस्तों ये बाएं साइड में जो बड़ा पार्किंग देख रहे हैं ये बंगाल बॉर्डर का पार्किंग है, तो बाहर स्टेट से जितने भी गाड़ियाँ आती हैं सारे लोग पार्किंग में ही लगाते हैं गाड़ी, उसके बाद फिर यहाँ से जाते हैं। देखिए बहुत बड़ा पार्किंग है, ये बहुत ही लंबा पार्किंग है, कम से कम 500 मीटर का पार्किंग होगा, ये सारा गाड़ी लगा हुआ है अंदर में। तो चलिए हम लोग रेलवे का ब्रिज पार करके माल लाइन होटल में रुकेंगे। दोस्तों होटल पर पहुँच चुके हैं माल लाइन होटल में, ये बंगाल बॉर्डर पार करके 1 किलोमीटर आगे पड़ता है, लेफ्ट साइड में ही पड़ता है ये होटल, क्योंकि और भी बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है, अब हम भी गाड़ी लगाते हैं। दोस्तों अभी तो आ गए हैं, देखिए माल लाइन होटल में गाड़ी लगा दी है, देखिए इधर रोड के किनारे गाड़ी हमारा लगा हुआ है, अब चलेंगे खाना खाने के लिए। तो अभी देखिए दुकान में आ गए हैं,
तो ये देखिए ब्रश ले रहे हैं गाड़ी का पोदान साफ करने के लिए, और ये सन है, मतलब साबुन लगाने के बाद शरीर में रगड़ना पड़ता है क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो बहुत मैल छूटता है, इसके वजह से ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है, टू जेड गाड़ी का जितना भी सामान है, देखिए इधर चुनरी वगैरह रखा हुआ है, पूरा गाड़ी सजाने का पूरा आइटम है। देखिए यहाँ रिंच वगैरह सारा मिल जाएगा, पेचकस वगैरह, इधर लाइट का भी है, तो यही सब दुकान में हम लोग का सामान मिलता है, खासकर गाड़ी वाला के लिए। चलिए ठीक है दोस्तों, अब खाना खाते हैं। दोस्तों हमारा खाना आ चुका है, देखिए आज रात का खाना में रोटी और ये देखिए तड़का, तो यही खाना हो रहा है दोस्तों आज हमारा। दोस्तों अभी खाना खा के आ गए हैं गाड़ी में, अब चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि यहाँ पे होटल बहुत बड़ा था तो गाड़ी लगा दी है, बहुत सारा जगह था, तो यहाँ पे गार्ड वगैरह सारा है, तो गार्ड को पैसा वगैरह भी दे दिए हैं, क्योंकि गार्ड लोग रात भर पहरेदारी करता है तो 20 या 30 रुपया लेता है, तो वो पैसा वगैरह सारा दे दिए हैं। बाकी यहाँ से सुबह सुत उठ के चलेंगे और अपना गाड़ी खाली करेंगे, यहाँ से मुश्किल से 8 किलोमीटर और जाना है हम लोग को। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सोने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा ब्लॉग का दूसरा दिन है, तो दोस्तों अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और कल रात में हम लोग होटल में खाना पीना खा के सो गए थे, और अभी सुबह सुबह चाय पानी पी लिए हैं, फ्रेश भी हो लिए हैं, और वहाँ से भी हम लोग निकल गए हैं। तो अभी हम लोग आसनसोल बाईपास में हैं, और ये देखिए आसनसोल बाईपास का नज़ारा कुछ ऐसा है, सुबह 8 बजे ही काफ़ी ज़्यादा धूप लग चुका है, और वो देखिए सामने जुबली पम्प दिख रहा है आप लोगों को लेफ्ट साइड में, वो देखिए। तो दोस्तों अभी हम जुबली पम्प का ब्रिज पार करके बाएं साइड में बाबा विश्वनाथ कांटा है, तो वहीं पे गाड़ी खड़ा करेंगे, वहीं पे कांटा होगा, और बगल में ही आधा किलोमीटर बगल में इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहीं हमारा गाड़ी खाली होगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, मुश्किल से 5 मिनट का समय और लगेगा और हम लोग पहुँच जाएंगे। दोस्तों यही है आसनसोल बाईपास, और ये देखिए जुबली पम्प। दोस्तों अभी पहुँच गए हैं विश्वनाथ कांटा पे, तो यहीं पर हमारा गाड़ी का कांटा होगा, तो अभी गाड़ी पहले साइड में लगाते हैं। दोस्तों अभी कांटा पे गाड़ी लेके आ गए हैं, और ये देखिए कांटा, तो ये कांटा के बगल में ही गाड़ी लगा दिए हैं। तो अभी पार्टी को फ़ोन किया तो बोला 20-25 गाड़ी का नंबर है, तो गाड़ी आप कांटा के बगल में ही लगाइए, जब आपका गाड़ी खाली करने के रहेगा उसके बाद उसी समय ही कांटा करवाएंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब गाड़ी लगा दिए हैं, अब चलते हैं चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, रिस्पेक्ट ड्राइवर।